नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जीकेएम एलएमसी 8.4 रिलीज 17 के साथ जो XML फाइल है हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है पोको F5 डिवाइस के ऊपर एंड कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ XML फाइल के साथ। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है फोटो सैंपल भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है, मैक्रो मोड का ऑप्शन है, मेन लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, सिनेमैटिक मोड को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर HDR10 का ऑप्शन है, लाइका मोड का ऑप्शन है, LDR मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, प्रो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अपस्क्रीन फोटो का ऑप्शन है, हाई रेजोल्यूशन में फोटो क्लिक करने का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस, मैनुअल मोड, प्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स को यहाँ पर जो है ऐड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर इस जीकेएम एलएमसी 8.4 के साथ XML फाइल के साथ जो है क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलेगा, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है, मेन कैमरे के साथ जो है काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। जो मेन का जो ऑप्शन है इसके साथ जो है काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड यहाँ पर जो है ये जो मैक्रो मोड है एंड यहाँ पर फोटो को प्रोसेसिंग करने के दौरान जो आप कैमरा लेंस को जो है स्विच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है पोको F5 डिवाइस के ऊपर इस जीकेएम के साथ जो है यहाँ पर काफी बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर पाओगे ना। यहाँ पर जो है मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए जो ऑप्शन से काम कट जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड लेंस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ भी जो है लैंडस्केप में बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर पाओगे एंड सिनेमेटिक इफेक्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है सभी ऑप्शन के साथ हम जो है पर फोटो को क्लिक करने वाले है एंड यहाँ पर जो है प्रो मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। प्रो मोड के साथ जो आप शेडो एंड HDR रेंज को जो है आप एडजस्ट कर पाओगे। जो LDR मोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर LDR मोड के साथ जो है यहाँ पर जो है हाई कॉन्ट्रास्ट फोटो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो LDR मोड के साथ जो है आप कॉन्ट्रास्ट फोटो क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरे के साथ फोटो क्लिक करने के दौरान यहाँ पर जो कैमरे के यहाँ पर कैमरे के साइड जो एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो गैलरी का जो आइकॉन इसे लॉन्ग टैप यहाँ पर लॉन्ग टैप करके जो है सिंपली जो HDR मोड के ऊपर जो है फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है एंड यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को लॉन्ग टैप करके जो अपस्केलिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, जो एक्सपोजर टाइमर है उस भी आप जो है एडजस्ट कर पाओगे, इस भी ऐड किया गया है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं इस जीकेएम के साथ जो है XML फाइल को किस तरह से यहाँ पर जो इंपोर्ट करना हो, उसके बाद जो है फोटो सैंपल को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम LMC 8.4 रिलीज 17 के साथ जो XML फाइल है दोनों फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके दोनों फाइल को ही डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो गूगल कैमरा को जो है पर इंस्टॉल करना होगा पोको F5 डिवाइस के ऊपर, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है मोर सेटिंग्स में जाना होगा। मोर सेटिंग्स में जाने के बाद जो है ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा, उसके बाद जो है सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करके यहाँ पर यस में टैप कर देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में XML फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके XML फाइल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 3 डॉट में टैप करके यहाँ पर कॉपी और मूव कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में जाके LMC 8.4 में टैप करके यहाँ पर सिंपली जो है पेस्ट कर देना होगा। तो ये जो XML फाइल है इसे सिलेक्ट करके कॉपी करके LMC 8.4 करके जो फोल्डर क्रिएट होगा इसमें जाके सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद गूगल कैमरा को फिर से यहाँ पर जो है रीस्टार्ट करना होगा। जीकेएम को रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जो है 4:3 सिलेक्ट करना होगा। 4:3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करके जो XML फाइल है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट में टैप करना होगा। यहाँ पर इंपोर्ट में टैप करते ही आपके डिवाइस के ऊपर जो XML फाइल है यहाँ पर जो है इंपोर्ट हो जाएगा एंड कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर जो है फोटो सैंपल के बारे में। हम जो है आपके सामने लाइव कुछ फोटो क्लिक करने वाले हैं, देखते किस तरह से पर जो है फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा इस
गूगल कैमरा के साथ। यहाँ पर सिंपली हम जो है 16:9 को सिलेक्ट करने वाले हैं, बाकी जो HDR नेट का ऑप्शन है, प्रोमोट का ऑप्शन है, प्लस अप स्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन है एनेबल है। हम जो है यहाँ पर मल्टीपल लेंस के साथ भी फोटो क्लिक करने वाले हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस, फ्रंट कैमरा, मेन कैमरा सभी के साथ। तो जल्दी से कुछ फोटो क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपली टैप किया, फोटो क्लिक हो गया, देख सकते हो यहाँ पर जो है HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कैमरा का जो साउंड है हम यहाँ पर सिंपली बंद कर देते हैं, एंड यहाँ पर 1x 1.5x को भी ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर फोटो प्रोसेसिंग के बाद जो है काफ़ी बढ़िया जो है पर क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑटो नाइट साइट मोड का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर सके इसे भी ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस मोड का ऑप्शन है। ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिलेगा। जल्दी से और कुछ फोटो क्लिक करते देख सकते हो यहाँ पर हम जो मल्टीपल फोटो क्लिक कर रहे हैं, एंड यहाँ पर फोटो के साथ जो काफ़ी फास्ट HDR प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा, बहुत ही फास्ट जो है फोटो यहाँ पर जो है क्लिक हो जाएगा। एंड इस तरह से आप जो है पर मल्टीपल फोटो क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पर ब्लर भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया जो है नेचुरल ब्लर देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर फोकस के रिलेटेड कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर जो काफ़ी फास्ट जो है पर फोटो सेव हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लस यहाँ पर जो है बढ़िया शटर स्पीड देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पर जो लाइका इफेक्ट है इसे भी एनेबल करते हैं, लाइका मोड के साथ कुछ फोटो क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर लाइका मोड के साथ जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो हम यहाँ पर लाइका मोड के साथ जो है यहाँ पर मल्टीपल फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है रेडमी नोट 11 डिवाइस, तो यहाँ पर लाइका मोड को ट्राई करके देखते हैं, बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड हम जो यहाँ पर डिफरेंट एंगल से फोटो को क्लिक कर रहे हैं, देखते किस तरह से यहाँ पर जो क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास है MI2 डिवाइस, इसके साथ भी कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं। एंड यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड लेंस है इसे भी हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर सिंपली जो लाइका मोड इसे बंद करते हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस में जो है स्विच करते हैं, तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस भी काम कर जाएगा। सबसे बढ़िया बात है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ जो है HDR मोड जो है काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो यहाँ पर मैक्रो लेंस भी काम कर रहा है। कुछ इस तरह से आप जो मैक्रो लेंस के साथ जो फोटो क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पर सिनेमेटिक इफेक्ट को भी ऐड किया गया है, तो देखते किस तरह से यहाँ पर जो है सिनेमेटिक इफेक्ट जो है काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड कुछ इस तरह से जो है सिनेमेटिक इफेक्ट के साथ जो काफ़ी डिफरेंट फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा, देख सकते हो पर फोटो जो पर प्रोसेसिंग हो रहा है। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मेन लेंस के साथ जो LDR मोड के बारे में, तो यहाँ पर जो LDR मोड है LDR मोड के साथ जो काफ़ी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रास्टी फोटो देखने को मिलेगा, एंड बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो बेसिकली। एंड मेरे को पर्सनली जो लाइका मोड है काफ़ी बढ़िया लगा है, लाइका मोड भी काम कर जाएगा। इवन जो फ्रंट कैमरा है उसे भी हमने ट्राई करके देखा है, फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर जो है काम कर रहा है। तो ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी है यहाँ पर इस GCam के साथ जो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। हम जो है यहाँ पर ढेर सारी फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देख सकते हो, एंड बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। एनी वे अगर बात करें पर वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो देख सकते हो पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन है, पैनोरामा फोटो स्पेयर, पोर्ट्रेट मोड एंड नाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एनी वे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में, तो यहाँ पर इस गूगल कैमरे के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर जो है काफ़ी फास्ट शटर स्पीड देखने को मिलेगा, फोटो के ऊपर कलर भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी हद तक जो वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाएगा। सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, फोटो के साथ जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर शेडो कलर के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ब्राइट इमेज देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली बेटर कलर विथ बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, कम नॉइज देखने को मिल जाएगा। लाइका मोड के साथ भी सिनेमेटिक इफेक्ट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर फोकस के रिलेटेड कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के ऊपर काफ़ी बढ़िया बैलेंस देखने को मिलता है, कोई भी ग्रीन टिन का जो इशू हमने नोटिस नहीं किया है। परफॉर्मेंस के साथ भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ भी HDR मोड काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड एंड सेल्फी के लिए भी अब इस GCam की यूज कर सकते हो, X7 की यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैक्रो लेंस भी काम कर रहा है। एंड कुछ तरह से जो सिनेमैटिक इफेक्ट इसे भी ऐड किया गया है, बट वीडियो स्टेबलेशन भी यहाँ पर जो है काम कर जाएगा।
तो इस तरह से जो है देख सकते हो जो एलडीआर मोड के साथ जो है कॉन्ट्रास्ट फोटो देखने को मिलेगा, डार्क फील्ड देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर लाइका मोड भी काम कर जाएगा। तो अब डेफिनेटली पोको F5 डिवाइस को भी इस जीकैम को ट्राई करके देखो। एंड रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 9.1 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।